सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज जल्दी पार्लर से वापस आ गए क्योंकि आज मामा को बिरयानी खानी थी मेरे हाथ की, और इसलिए हम लोग आज जल्दी घर वापस आ गए। अभी बिरयानी बनानी है और चलिए चलते हैं किचन में। और मैं भी आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो रेसिपी वो थोड़ा बहुत शेयर करूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी अगर टाइम मिले तो कुछ कुछ बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, बिरयानी बनाने के लिए पहले ना चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं, इसलिए थोड़ा चिकन में थोड़ा दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, हल्दी और थोड़ा तेल डाल के इसको मिला लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए मैरिनेट होने के लिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So guys, अभी कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं और उसके बाद इसमें चीनी डालते हैं थोड़ा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो नहीं डाल सकते। ये कलर होने के लिए मैं डालती हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी तेज़पत्ता डालते हैं और जब चीनी ऊपर उठ जाए तो उसमें खड़ा मसाला और उसके बाद प्याज डाल के उसको फ्राई होने देते हैं प्याज को। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें थोड़ा टमाटर और नमक डाल के उसको दोबारा फ्राई करते हैं अच्छे से। प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें डालते हैं थोड़ा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये भी थोड़ा कलर होने के लिए ही डालते हैं हम लोग। अब इसमें चिकन डाल देते हैं और इसको अच्छे से चिकन डाल के अच्छे से मिला लेते हैं और मिला के इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अब जब तक चिकन पक रहा है तब तक हम बिरयानी का राइस बना लेते हैं। और इसके लिए पहले पानी को गरम करते हैं अच्छे से और इसमें थोड़ा खड़ा मसाला और थोड़ा नमक और देसी घी डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और उबल जाने के बाद इसमें हम लोग चावल डालेंगे। अब देख लीजिए, अब पानी एकदम अच्छे से उबल चुकी है। अभी इसमें हम लोग चावल डाल देंगे और चावल को थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब देख लीजिए गाइस, यहाँ चिकन भी एकदम रेडी हो गया है और उसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है। और मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना, ज़्यादा कोई फूड वूड कलर यूज़ नहीं करती, नॉर्मल चीज़ों से ही बनाती हूँ। तो इसी से जितना भी कलर आ सकता है वो आती है, ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं। और अभी देख लीजिए, इसमें हम लोग जो भी मसाला वगैरह डालनी है, चिकन मसाला और गरम मसाला और बिरयानी मसाला, वो सब मैं डाल रही हूँ। और ये सब डालने के बाद और थोड़ा इसको मिला लेंगे और पाँच मिनट के लिए पकने देंगे बस। उसके बाद चिकन बन के हो गया रेडी। अब देख लीजिए गाइस, चिकन एकदम रेडी है। और अभी इसमें बहुत सारा धनिया पत्ता डालेंगे और डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। बस हो गया चिकन। अभी हमारा वो राइस भी बन के एकदम रेडी है और इसको हम पानी से अलग कर लेते हैं और उसके बाद दम की प्रिपरेशन करेंगे। सॉरी, थोड़ा मैं आप लोगों को शुरू से दिखा नहीं पाई, तो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे देते हैं। तो एक कोट चावल का, एक कोट चिकन का, ऐसा ही इस तरह से ही देते हैं। और बीच में एक कोट प्याज और जो बिरयानी मसाला वगैरह घी ये सब दे देते हैं। और अगर आप चाहो तो उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आलू फ्राई करके डालती हूँ या फिर बॉयल्ड एग डालती हूँ, वो सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आखिर में, सबसे लास्ट में ऊपर अच्छे से देसी घी डाल देना, क्योंकि मैं तो देसी घी ही डालती हूँ। इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से देसी घी डाल लेना है और उसके बाद जो फ्राई किया हुआ प्याज है उसको डाल देना है और बिरयानी मसाला थोड़ा ऐड करना है और धनिया की पत्ती, पुदीने का पत्ता, ये सब डाल के अच्छे से गार्निशिंग कर देना है और हो गया बस कम्प्लीट। इसके बाद इसको एकदम लो फ्लेम में गैस पे चढ़ा देना है दम के लिए, अराउंड 30 मिनट्स के लिए चढ़ा देना है और उसके बाद बिरयानी बन के तैयार। जी गाइस, आज
आज मैं इसमें थोड़ा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं कोई फूड कलर या एसेंस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती जब घर पे बिरयानी बनाती हूँ, तो बस आज थोड़ा ब्लॉग शूट कर रही हूँ इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बना लेते हैं गार्निशिंग करने के लिए, थोड़ा अच्छा लुक आएगा, तो इसलिए मैं आज फूड कलर डाल रही हूँ। बट ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो नहीं डाल सकते हो। तो ये मैं कलर डाल दिया और अभी बॉयल्ड एग को उससे गार्निशिंग करने के लिए ऊपर डाल रही हूँ, थोड़ा लुक अच्छा आए तो इसलिए अभी मैं बॉयल्ड एग डाल रही हूँ। और इसके बाद हो गया एकदम इसका कंप्लीट, इसको अभी हम दम पे चढ़ा लेंगे। तो गाइस अभी हमारा बिरयानी बनके एकदम तैयार है और देख लीजिए इसका लुक कैसा है, बताना मुझे कैसा लगा मेरा बिरयानी आप लोगों को। लोप लाज कहीं करुच तो लोपटी भारी लाज करे आम ना मामन किए खाइब एत गुड़ा ईटिंग चैनल मामन एतिक बिरयानी से एकुटिया खाइब बाढ़ी धन मो धनर जब बिरयानी आ चिकेन पकोड़ा हुए सी क्या सागर कथबार्ता करेनि कहीं ना लगे मो मो खाइबारे डिस्टर्ब हो जाए सी शांति रे खाइदब पूरा तापर जाए क्या अन सो गाइज अभी हमारा डिनर हो गया कंप्लीट और बिरयानी बहुत टेस्टी था, यम्मी था, बच्चों को बहुत पसंद आया और बच्चे लोग खा के दूसरे रूम में सो गए और मामा और हम इस रूम में आ गए। अभी बहुत थक गए हैं और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई, अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं अभी और अभी सोना है। और इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे फिर और एक ब्लॉग में। गुड नाइट।